नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहां भी होंगे एडीएस का परचम लहरा रहे होंगे। सुजीत एमएलएम किंग यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जिन्होंने भी मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर रखा है उसको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। जिन्होंने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को क्लिक नहीं किया है, प्लीज़ हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, क्योंकि समय समय पर सही अपडेट, सही जानकारी सरल भाषा में आपको, आप तक हर एक अपडेट जिस तरीके से अभी तक देता आया हूँ वैसे ही आगे पहुँचाता रहूँगा। दोस्तों प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करिए, कंप्लीट देखिएगा। बहुत बड़ी वीडियो नहीं, छोटी ही बना रहा हूँ, जिसके कारण आपको एक स्पष्ट और सरल और सही जानकारी मिल जाएगी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो भी हमारी आईडी रीएक्टिवेट होकर चालू हुई है उसमें जो अभी प्रॉब्लम काफ़ी आईडियो के साथ आ रही है, जैसे कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, एडीएस ग्रुप ऑफ कंपनी एडीएस टास्क ऐप में यदि कैलकुलेटर बन के आ रहा है उसे कैसे रिमूव करें, कंप्लीट वीडियो देखें। तो दोस्तों किसी की आईडी खोलने में, टास्क कंप्लीट करने में उनके में कैलकुलेटर ऑप्शन शो कर रहा है, तो उसमें हमें क्या करना है वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलते हैं हम वीडियो की ओर। ओके फ्रेंड्स, माय डियर फ्रेंड्स, जैसे ही हम अपना एंड्रॉयड मोबाइल ओपन करते हैं, अपना हमने अगर एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रखा है तो अपनी स्क्रीन पर हम ADS AdView प्लान, जो हमारा एफिलिएट प्रोग्राम हो चुका है, जहाँ से हम अपना ऐड देखते हैं उस ऑप्शन पर टच करेंगे। जैसे कि मैंने अपना स्क्रीन पर बना रखा है दोस्तों, वहाँ पे अपना टच करिए उस ऑप्शन पर जहाँ से ऐड खोलते हैं। वहाँ जैसे ही हम टच करेंगे तो हमारे सामने ये पेज खुल के आता है। तो दोस्तों जैसे आईडी पासवर्ड अगर डाल के हम ये खोलते हैं, तो आईडी पासवर्ड डालने के बाद हमारे स्क्रीन पर ये कैलकुलेटर का ऑप्शन जैसे आता है, तो उसमें परेशान होने की बात नहीं है दोस्तों। इस कट के निशान पर, इस मल्टीप्लाई के निशान पर, इस गुणे के निशान पर हमें कम से कम 2 से 3 मिनट तक या उससे पहले ही थोड़ा देर तक हमें इसको दबा के रखना है उंगली से। ऑटोमेटिक ये स्क्रीन से हट जाएगा, और जैसे ही हटेगा और उसके बाद आप अपना आईडी और पासवर्ड डालेंगे दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं आपके सामने वो हटेगा। फिर उसके बाद अपनी आईडी और पासवर्ड आप डालेंगे, नीचे लॉगिन करेंगे, तो इस तरीके से हमारा जैसे कि अपना ऐड व्यू स्टार्ट होता है वैसे ऐड स्टार्ट हो जाएगा। माय डियर फ्रेंड, जैसे आप देख रहे हैं कि जैसे ही हम आईडी पासवर्ड अपना एंट्री करके लॉगिन करते हैं, तो हमारा ऐसे गोल गोल लॉगिन होके घूमने लगता है, और वापस से हमारा ऐड का सिस्टम, ये जैसे कि हमने कंप्लीट कर लिया है इसलिए हमारा कंप्लीट दिखा रहा है, तो ऐसे आपका ओपन हो जाएगा। इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है कि हमें कैलकुलेटर अगर बन के आ रहा है तो हम क्या करें। दोस्तों इस वीडियो को अपने ऑल मेंबर्स तक शेयर करिए, हर एक मेंबर्स तक जाएगा तभी आपकी सारे लीडरों को इसका सोल्यूशन मिल पाएगा। ओके फ्रेंड्स, धन्यवाद करते हैं, लास्ट तक आपने हमारी वीडियो को देखा, और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा, ऐसे ही सिंपल और सरल भाषा में आपकी प्रॉब्लम का सलूशन देते रहेंगे। ओके फ्रेंड, जय हिंद, जय भारत, जय ADS।